प्रोग्राम था, ठीक है। तो यहाँ पे फाइल में जाते हैं, न्यू फाइल में लिखते हैं, छोटे से क्वेश्चन लिखते हैं, राइट ए प्रोग्राम सर। वॉइस क्लियर नहीं है। तो राइट ए प्रोग्राम टू इंप्लीमेंट एरे ऑफ स्ट्रक्चर, उसके बाद हम देखेंगे हैश इनक्लूड stdio.h हैश इनक्लूड और io.h और एक और हेडर फाइल ले लेंगे हैश इनक्लूड string.h। तीन हेडर फाइल हम लोग यहाँ पे ले लिए, एज इंक्लूड stdio.h conio.h और string.h। यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा strct struct, मैंने लिखा स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। यहाँ पे मैं दो इसके मेंबर बना लूंगा, int roll number और char name। ये नेम जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे एरे टाइप को बना रहा हूँ और ये मैक्सिमम साइज में दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमने क्या बना लिया, एक एरे बना लिया। अब मैं लिखता हूँ void main और यहाँ पे लिखूंगा get ch, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या बना लूंगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा int i, और एक स्ट्रक्चर का भी वेरिएबल यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं स्ट्रक्ट। यहाँ पे जो भी जो वेरिएबल हम लोग यहाँ बनाएंगे वो एक एरे टाइप का होगा, ठीक है। मैं एच डी और यहाँ पे साइज दे रहा हूँ 5, ठीक है। स्टूडेंट हमारा एक स्ट्रक्चर है जो कि एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी होता है, हम लोग उसका एक क्या बना रहे हैं, एरे बना रहे हैं, ठीक है। एरे ऑफ स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद यहाँ लिखता हूँ chr, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इस एरे को एक्सेस करना है, एरे को एक्सेस करने का एकमात्र तरीका होता है फॉर, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे फॉर और हमारा लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 से लेके 4 तक चलेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे i इक्वल टू 0, I is less than 4, sorry 5, I plus plus. ठीक है, तो ये हमारा लूप तैयार हो चुका है और यहाँ पे हम लोग इसको एक्सेस करेंगे। एक्सेस हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं एक मैसेज प्रिंट करता हूँ, प्रिंटर नंबर 4 और यहाँ स्लैश रोल नंबर, ठीक है। रोल नंबर हम लोग एंटर करेंगे और यहाँ लिख देंगे स्कैन एंड, यहाँ लिख दूंगा मैं सबसे पहले रोल नंबर एंटर करें तो परसेंट एक और कॉमा देखिए एम परसेंट एस टी ओ 0 डॉट रोल नंबर stdio.i.roll। हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया रोल नंबर एंटर कर दिए। अब हम लोग और एक मैसेज यहाँ प्रिंट करेंगे जिसमें हम लोग लिखेंगे slash n क्या हुआ,
ठीक है, और कॉमा देके हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, एम्परसेंट एस टी ऑफ आई डॉट नेम। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इनपुट ले दिया, ठीक है, फॉर लूप लगाया, एक्सेस किया और इनपुट हमने यहाँ पे दे दिया। अब क्या करेंगे, हम लोग प्रिंट करेंगे सभी के वैल्यूज को, और हम लोग यहाँ लिख देंगे प्रिंटिंग स्टूडेंट इंफॉर्मेशन लिस्ट, ठीक है, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन लिस्ट हमने यहाँ पे प्रिंट किया, ठीक है, एक मैसेज हमने प्रिंट किया। और हम लोग यहाँ पे एक्सेस करके हम लोग वापस से प्रिंट करेंगे, तो एक्सेस करने के लिए हम लोग को लगेगा फॉर लूप, सेम हम लोग यहाँ लिखेंगे आई इक्वल टू जीरो आई इज लेस देन फाइव आई प्लस प्लस, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग प्रिंट लिख देंगे, ठीक है, मैं सभी को एक ही साथ प्रिंट कर रहा हूँ, स्लैश एन रोल नंबर, चलिए अलग अलग हम कर लेते हैं, ठीक है, कॉमा देखिए यहाँ पे क्या लिखूंगा, एस टी ऑफ आई डॉट रोल, ठीक है, प्रिंट यहाँ लिखेंगे परसेंट एस percentage comma st of i dot name, यहाँ पे हम लोग दोनों का एक्सेस कर रहे हैं, स्लैश ऐसा मैंने किया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक्सेस करेगा और प्रिंट करेगा। तो सेम चीज हम लोग यहाँ पे करते हैं, और लास्ट में हम लिखे हैं गेट सीएस, तो इससे वो एक्सेस करके, ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम बन चुका है, मैं इसको सेव करता हूँ, एलबे और सी, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ कंपाइल, ठीक है, एरर आ गया, सक्सेसफुली कंप्लाइंट हो चुका है। अब हम लोग यहां पे रन कर रहे हैं, सबसे फर्स्ट स्टूडेंट का यहां पे पूछ रहा है एंटर रोल, मैं रोल नंबर डाल दूं 10, ठीक है, ये फर्स्ट हम लोग यहां पे लिखना पड़ जाएगा मैसेज भी प्रिंट कर देते हैं, इंफॉर्मेशन ऑफ फाइव स्टूडेंट्स, रोल नंबर यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 101,
रेंटल नेम एंड आपका मीटर, ठीक है, एंटर रोल नंबर 102, मैं डालता हूँ चेक, ठीक है, फिर डालते हैं 103, डालता हूँ यहाँ पे टैरी है, ठीक है, रोल नंबर 104, मैं यहाँ पे डालता हूँ स्मिथ, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं रोल नंबर 105 और रॉबर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को प्रिंट करके मिल गया रोल नंबर 101 पीटर, रोल नंबर 102 जैक, रोल नंबर 103 डैनियल, रोल नंबर 104 स्मिथ, रोल नंबर 105 रॉबर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने कुछ नेम एंटर किए और रोल नंबर एंटर किए, जो एंटर किए वो हम लोग को यहाँ पे एक्सेस करके मिल जाए। तो इस प्रकार से हम लोग एरे ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट किए ताकि हम लोग को बार बार इनपुट जो है उसके लिए अलग अलग स्टेटमेंट ना लिखने पड़े।